अभी क्या स्थिति यह है कि अप्लाई किए तो ऑनलाइन स्कैनिंग करके रखा हुआ है, बोलते हैं कि जो प्राइवेट कंपनी लिए हुए है कि स्कैनिंग करके रखा हुआ है सारा वैसे ही मिलेगा, लेकिन उसमें भी त्रुटि है, कुछ ना कुछ अगर निकालने जाते हैं तो उसमें फेंट निकलता है, जिस तरह की जो रिकॉर्ड में मेरा लिखा हुआ था वैसा ना हो करके उसमें फेंट आता है, चेंजेस कुछ है। तो फिर अगर वो पेपर मिसिंग है या चेंजेस है तो क्लेम कैसे होगा, उसका समाधान क्या है? जिससे इन लोगों ने किया है स्कैनिंग उसी के उसी रिकॉर्ड से फिर मिल सकता है। ये जिम्मेदारी किसकी है, अभिलेखागार की है या उस व्यक्ति की है जिसकी जमीन है? अभिलेखागार की है, क्योंकि अभिलेखागार ही रखे रिकॉर्ड कीपर तो वही है। तो ऐसे क्या ऐसे मामले आ रहे हैं जो लोग कह रहे हैं कि मेरी जमीन के कागजात नहीं मिल रहे हैं? हाँ, कुछ मौजा का जैसे फटा हुआ है, रांची का जैसे चढ़री का फटा हुआ है, बोलते हैं मेरे पास क्लाइंट भी आए हुए थे। अच्छा। हाँ, उनका मैं कोशिश किया निकालने का तो वो चढ़री मौजा का फटा हुआ है बोलते हैं, और उसका समाधान ये है कि एक रिकॉर्ड इनके पास रहता है, एक तो बोलते हैं कि पटना में भी झारखंड अलग होने से पहले एक रिकॉर्ड वहाँ पर भी है, तो वहाँ पर भी होगा। वो तो अभी एक आम आदमी गरीब आदमी पटना जाए रिकॉर्ड निकालने के लिए संभव दिखता है? संभव तो नहीं है, संभव नहीं है, तो संभव नहीं, इसलिए पुनः ये मेरे ख्याल से पुनः सर्वे होना चाहिए। तो आज जो बातें सरकार कर रही है कि 1932 खतियान के आधार पर स्थानीयता परिभाषित करने की, क्या लगता है कितना प्रासंगिक है आज के समय? 1932 के खतियान के आधार पर अगर कहते हैं तो गांव के लोग तो सर्वमान्य है कि 32 के से पहले से बसे हुए हैं। हाँ, बसे रिकॉर्ड पे बात रिकॉर्ड, हाँ 1932 का रिकॉर्ड, हाँ लेकिन मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, सर कौन देगा कि आप 32 के हैं? ये तो कोई वो खतियान ही, वो खतियान ही देगी आपको, वो आपकी पहचान खतियान देगी। हाँ, अगर खतियान नहीं है तो जैसा सरकार का कहना है कि अगर 32 का खतियान नहीं है तो जो थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड में रिजर्वेशन मिलना है वो आपको नहीं मिलेगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।